स्पोर्ट्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। सचिन पायलट ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और दूसरी तरफ सरकार है जिसने इग्नोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें। साथियों, राजस्थान के अंदर जब से सत्ता कांग्रेस की आई है तब से भ्रष्टाचार के अंदर कुछ कमी हुई है, बढ़ोतरी हुई है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के अंदर बढ़ोतरी भी हुई और जहाँ जहाँ हम लोगों ने राहत लेने की कोशिश की कि जिसके अंदर पेट्रोल के ऊपर वैट कम नहीं हुआ या जो पहले टोल टैक्स लगा करता था वसुंधरा राजे सरकार ने उसको वापस ले लिया, लेकिन गहलोत सरकार ने आते ही प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर टोल टैक्स राजस्थान की सड़कों पर फिर से लगा दिया। ऐसे में जब घोषणा पत्र की बात आती है तो राजस्थान सरकार के अंदर एकमात्र मंत्री और एकमात्र उप मुख्यमंत्री जिसे बाद के अंदर करोड़ा समझ के हटाया गया, सचिन पायलट हमेशा मुखर रहे। जब कोटा के अंदर बहुत सारे बच्चे अस्पताल की लापरवाही की वजह से मर गए थे, वहाँ भी सचिन पायलट ने, जब वो खुद मंत्री भी थे, सरकार को घेरा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी लापरवाह उनको दोषी को सजा मिले। लेकिन उनकी बातों को भी अशोक गहलोत के विपरीत में देखा गया। फिर उसके बाद में जब उनके आईएएस अधिकारी आरएएस अधिकारियों से संबंधित अधिकार छीन लिए, वहाँ भी हम लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा था। लेकिन सचिन पायलट ने लगातार इस सरकार को घेरे रखा, चाहे पेपर लीक का भी मुद्दा है कि कितने विद्यार्थियों के साथ, कितने बेरोजगारों के साथ अत्याचार हुआ जब वे नौकरी का एग्ज़ाम देने लगे, चाहे टीचर का एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे वो किसी स्वास्थ्य अधिकारी का देने जाएं, लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं। मतलब सरकार के अंदर से ही कुछ लोग उस पेपर को करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं और विपक्ष तो बोलता है जो बोलता, करोड़ीलाल मीणा ने धरना दिया जो दिया, लेकिन कांग्रेस के विधायक रहते हुए सचिन पायलट भी इस मुद्दे पर मुखर हुए। वे समझते हैं कि हाँ, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, हम जनता के लिए आते हैं, हम किसी पार्टी के लिए सिर्फ चुनाव तक हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में हमारा सारा का सारा फर्ज बन जाता है कि जनता से जो वादे किए हैं वो सारे पूरे हों। और जहाँ बिल्कुल एक रूढ़ी के अंदर जो राजनीतिक दल चलते आए हैं, वहाँ बिल्कुल सचिन पायलट अपने आप को अलग कर लेते हैं। पढ़ाई लिखाई भी है, छोटे शब्द बोलने भी नहीं आते, स्पष्ट रूप से कई जगह मंचों पर बोल भी चुके हैं कि छोटे शब्द बोलना, गाली गलौज करना, ये मेरे संस्कार में नहीं है, जिसके संस्कार में हो जाएं। लेकिन सरकार की स्वस्थ आलोचना करने में वे कभी पीछे नहीं रहे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब अनशन पर बैठना हुआ तो भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने मुख्यमंत्री को कई बार पत्र लिख दिए, बहुत सारे पत्रों का जवाब आता था, लेकिन वसुंधरा राजे सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार हुए और उसके खिलाफ जो हमारे को जांच बिठानी थी, उसके ऊपर जब जांच नहीं हुई तो मुझे धरने पर बैठना पड़ा। मतलब जनता के प्रति जवाबदेही, जनता के प्रति जब जवाबदेही होती है तो फिर जो भी लीडर सामने आता है, आज भले ही वो किसी पद पर नहीं हो, लेकिन फिर भी जनता उनको सुनने के इच्छुक रहती है, जनता उनके साथ में खड़ी नजर आती है। और शायद इसीलिए नेशनल सर्वे के अंदर उनको कांग्रेस के अंदर नंबर दो का लीडर माना गया है। मतलब सर्वे में यहाँ केवल मीडिया का काम नहीं है, सर्वे के अंदर एजेंसियाँ घर घर जाकर, यूथ में जाकर, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर के अंदर, उसमें सब के अंदर एक आंकलन करती है और उसके अंदर सचिन पायलट नंबर दो पर आते हैं, पहले नंबर पर राहुल गांधी। मतलब कांग्रेस के अंदर दो नंबर के नेता हैं, कोई माने या ना माने। भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अभी कर्नाटक के अंदर नरेंद्र मोदी को जहरीला सब कुछ बता चुके, पॉपुलर होने के लिए सारे के सारे लोग हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन सचिन पायलट हथकंडे अपनाने की बजाय जनता के प्रति जवाबदेही को सामने रखते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, ये सभी दोनों यूथ और उसके सारे के सारे लोग बाग, राहुल के जो यूथ ब्रिगेड के लोग हैं, सचिन के साथ हैं। ठीक है, बुजुर्गों की जमात अशोक गहलोत के साहब के टाइम के जो भी लोग हैं उनकी कितने दिन चलेगी, बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन फिर उसके पश्चात जनता भी होगी।
और वह दिन भी दूर नहीं जब सचिन पायलट निश्चित रूप से बहुत बड़े नेता के रूप में उभर के आएंगे और सरकार की आलोचना करने का मतलब है कि सरकार से वो काम करवाना जो जनता के हित में है। ये वीडियो आपको किसी भी माध्यम से मिलाओ तो आप कृपया इसको सभी लोगों को फॉरवर्ड करें और बताएं कि किस तरह से सरकार में रहते हुए भी आलोचना की जा सकती है, अन्यथा चाहे पार्टी बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सरकार जिसकी है उसकी आलोचना करना नेताओं के लिए घातक समझा जाता है। सचिन पायलट इसमें अपवाद हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।